हेलो, राम राम। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया हो? चलो भाई, छोला भटूरा बनास्या। तो छोला भटूरा के लिए के करनो, अपन एक बर्तन में छोला बेना ही। रात में एक कटोरी भर के छोला बेद देस्या और अन्य अपन पूरी रात भिगो के राखस्या। तो ये अच्छा थोड़ा आधा से ज़्यादा भिज्जा हो जैसी, तो अभी इन्हें बे के छोड़ देस्या पानी भर के, और हम थोड़ा सा नमक डाल देस्या। तो सुबह अन्य देखस्या तो ये इन्हें दोस्या पलिया। सबसे पहले इन्हें दोस्या सुबह उठ के, और इन्हें एकदम साफ पानी हो दो तीन बार धो लेसियाँ, साफ कर लेसियाँ। ये देखो इन्हें साफ रहो, इनको जो गंदो पड़े है पानी है जो वो निकल जाती, और इन्हें साफ कर लेसियाँ अच्छा पानी में धोगा के। और अब इन्हें अपन धो के साफ कर लिया ही, दो तीन बार धो लिया ही। अब एक प्लेट लेसियाँ, प्लेट में एक कपड़ो रखसियाँ, कपड़े में अपन रख गाल डाल सियाँ चाय पत्ती, और एक इसमें काली मिर्च और दालचीनी को टुकड़ो डाल से, और अंडे बंद करके एकदम चारों मेरू और गांठ बांध के पानी में डाल देसी। अब इन्हें ढक देसियाँ अच्छी तरिया, और इन्हें गैस की फ्लेम फुल करके एक सिट्टी मरासियाँ। अब भटूरे के लिए अपन आटो तैयार कर सियाँ। तो हम अपन एक कप सूजी और दो कप भर के मैदा, मतलब जितनी सूजी ली है वहूँ डबल या थोड़ी ज़्यादा भी ले सको थारे हिसाब से। तो दो कप भर के सूजी ले लियो, एक कप सूजी को दो कप मैदा का ले लियो। स्वाद अनुसार नमक डाल दियो और हम थोड़ी सी एक चम्मच चीनी डाल दियो, और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दियो, और इनो डाल दियो चुटी की, और हम डाल दियो दही भर के एक कटोरी, क्योंकि इतो आटो एक कटोरी में लाग जैसी। अगर पानी डालना चाहो, दही कम पड़े तो पानी भी डाल सको थोड़ा थोड़ो, बाकी मैं पानी कौन डाल लूँ, मैं तो बिल्कुल दही डाल सूँ और इन्हें तैयार कर सूँ। अन देखो मैं दही डालियो है और पानी पूनी कुछ कौन डालियो, सारे मिला मिलू के तैयार कर लियो है। और यो मेरो आटो लाग चुकियो है, अच्छा थोड़ा लोच दे देसी तो कि यो और बढ़िया अच्छो लाग जैसी। अब इनका चारों मेरा आप थोड़ा थोड़ा घी रगड़ देसियाँ, और घी रगड़ के इन्हें थोड़ा और लोच देसियाँ ताकि इनका और अच्छा लोच आ जैसी, और बढ़िया जो अपना भटूरा बना सियाँ वह फुल सी, फिर वह फट सी कोनी फूल सी। और इन थोड़ा और लोच दे देसियाँ, और नहीं भी आप एक कपड़े हूँ ढक ढक के रख देसियाँ। लोच तैयार होगा ना, अब मैंने ढक के रख देसियाँ। अब चलो आप देख सियाँ पला छोला तैयार होया को नहीं होया, सिटी लग गए बन के देख सियाँ उगाडर। हाँ, छोला उबड़ के तैयार हो चुके हैं। अब यह पोटली तो निकाल बाहर फेंक देसियाँ, फिर तो चाहे डस्टबिन में फेंक दो। और ए पानी ने तो नाका छान लेसियाँ, और छोला अलग कर लेसियाँ। ये देखो छोला उबल भी गया, क्योंकि ये पाट रहे हैं ना तो बेरो है कि उबल गया, और फोड़ के दिखा दूँ थारी तसल्ली के लिए थाने। ये देखो उबल के तैयार हो चुके हैं, तो अब बैंड ने छान लेसियाँ अपा नाका नाकर। तो छोला ऊपर रह जैसी, पानी नीचे रह जैसी, ये छण गया। अब गैस की फ्लेम कर दिया ऑन, और ऊपर रख सियाँ कढ़ाई। तो कढ़ाई तो ऊपर ना पड़ी है, अब तार नहीं पड़ सी नीचन आए कढ़ाई रख देसियाँ। अब या गर्म होने के लिए अपन एक आधी मिनट तो ले सी, थोड़ी लोकी कढ़ाई है तो टाइम तो ला गई सी। अब हम आप थोड़ा कढ़ाई गर्म होगी तो अब हम डाल दें घी, सॉरी दही, तेल डालना है क्या को घी दही। अब मैं तेल ना गर्म होने के बाद मैं डाल दें जीरो, जीरो थोड़ा गर्म हो चुकी हो तो अब डाल दें राई, राई जीरो दोनों पक जैसी जना ये बुलबुला कम हो जैसी, एकदम कम हो जैसी। ये देखो बुलबुला जो हाव है कम हो चुका। अब मैं दालचीनी को टुकड़ो और काली मिर्च, दालचीनी को टुकड़ो और इलायची, तेज पत्ता, हरी मिर्च, प्याज और ये सारी चीज़ हमें एक साथ ही डाल देते हैं, ताकि है कि गैस की फ्लेम जो गैस की आँच है वह कम कर दियो, नहीं तो ये वो प्याज है ये जड़े बहुत तावड़ो है। तो गैस की फ्लेम ने कम करके इन्हें प्याज ने भूनो है, बढ़िया तरीका हूँ इन्हें धीरे धीरे चलाता चलाता ताल ताला ने भून लो, क्योंकि धीरे धीरे चला से ना जना अच्छो भून सी और स्वाद भी इनको अच्छो आसी। जल्दी सी फूल आँच पर करसियाँ तो इनको स्वाद को नहीं आओगे और जड़ भी जा सके तो उनकी बदबू भी आवेगी, तो वह भी अच्छी कौन लाग सी कोई नहीं। तो इन्हें भून ले सिया। और भाई की कहना, छोला भटूरा पसंद है? आप भी कमेंट में ज़रूर करियो, क्योंकि मेरे तो बेटे ने बहुत पसंद है भाई। मैं तो आज अँ तो रोटी कौन खा के जा नखरा कर सी ना, तो रोटी चेपर गए भटूरा साथ।
ये देखो प्याज भुन गया। अब इसमें डाल दें आप टमाटर, जो टमाटर को भी आप थोड़ा पीस प्याज के तैयार करो हो तो इन्हे भी डाल दे। सन मोटो मोटो पीसियो हो, जब वो पीसन नालों आवे ग्राइंडर तो उसमें मोटो मोटो पीस के तैयार कर लियो। अब इन्हें एकदम बढ़िया इन्हें भून ले सियाँ, पका ले सियाँ थोड़ी देर, इन्हें एकदम बढ़िया पका के तैयार कर सियाँ, ताकि इनको कच्चोपन है वो एकदम ख़त्म हो जा। तो इन्हें बढ़िया पका के तैयार कर सियाँ। और यो फुल आँच पर भी आप प्याज टमाटर डालें, आप फुल आँच पर भी पका सकता। प्याज ने तो एकदम कमी आँच पर पकायो, टमाटर ने तो कोई बात नहीं, फुल आँच पर भी पका सका। अब मैं सूखो मसालो डाल दे सियाँ, स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि कोई ज़्यादा खावर कोई कम खावर, और आधी चम्मच हल्दी की और दो ढाई चम्मच अपन धनिए पाउडर की डाल सकता, क्योंकि धनिया पाउडर हो तो ग्रेवी गाढ़ी हो गए तो कोई बात को नहीं, दो चम्मच की जगह ढाई भी डाल सकता। यूँ हम डाल दियो मैं जीरो पाउडर, भुनेड़ो पिछेड़ो मेरे घर हाँ तैयार करेड़ो है, तो मैं यू ही में डाल दियो, मने को स्वाद बहुत अच्छा लगेगी, खुशबू अलग ही आवा है सब्जी में। तो अब इन्हें कम आँच करके पका लिया, क्योंकि मसाला डालें ही तो बेरो को सूखा मसाला ही जल जाया, तो इनकी आँच कम कर दिया। अब हम थोड़ा गर्म मसालो और थोड़ा छोला मसालो डाल दे सियाँ, और इन्हें घुमा लिया बार बार में, तवड़ा तवड़ा घुमा के इन्हें पका के तैयार कर लिया। थोड़ी सी मैं मिर्ची लाल मिर्च पिछेड़ी डाल सूँ मैं, एम के है लहसुन को पेस्ट है, तो थोड़ी सी यह डाल दी मैंने उजू घुमा लिया। तो अपना मसालो देखो थोड़ा पकन भी लाग गयो है, क्योंकि कढ़ाई छोड़न लाग गो, मसालो पकन लाग गो मतलब कढ़ाई छोड़न लाग गो। तो अब इन्हें थोड़ी देर और घुमा ले सियाँ, अच्छा पक के तैयार हो जैसी हो। ये देखो कितनी टेस्टी सब्जी बन सी, और इस तो टेस्टी छोला भटूरा बन सी। तो अगर पूरी रेसिपी जाए करो भैया थे भी कर सी ना, तो बढ़िया स्वाद आसी। अब गैस की फ्लेम फुल कर देसियाँ, और इनमें आपा ने छोला डालांगा तो इन्हें जल्दी जल्दी मिलावा और फुल कर दें गैस की फ्लेम। अब हम डाल देंगे आपा छोला फटाफट, नहीं तो मसालो जल जाएगा, तो फटाफट आपा छोला डाल दें। और ये मैं छोला डाल दिया ये अंदर सारा, और इन्हें एकदम ही मिला लिया सारा ने मिक्स कर दिया, हम चारों मेरू सारों मसालों छोला मिला लिया मिक्स कर देंगे। अगर रोक देंगे अब छोड़ देसिया तो मसालों भी जल जाएगा, छोला भी जल जैसा, सब्जी को ही ना सो जैसी। तो अनियन जल्दी जल्दी घुमा के अन मिलानो है अच्छी तरह सारे ने, तो स्वाद बहुत अलग आती। तो अब यो पानी आप नाका करो, यो भी इनके अंदर डाल देसिया और इन्हें भी आप मिला देसिया। और अगर थाने यूँ लगा कि पानी कम पड़ेगा गाढ़ी है या देखो गाढ़ी है, तो हम थोड़ा पानी और भी डालूँगी मैं, अलग हूँ सादो पानी डालूँगी तो थे भी डाल सको, कोई दिक्कत को नहीं, अलग हूँ सादो पानी और डाल के उन्हें पका सको हो। तो अभी मैं नहीं पका ले सूँ, वो गाढ़ो हो गयो। और एक चीज़ याद आई, मैं नमक कौन डालियो, ले भाई नमक डाल सूँ मैं जल्दी सी, नहीं तो स्वाद ही चेंज हो गया सी। और थे डालियो कौन डालियो, थे ना डालियो तो याद करके डाल दियो भाई। अब मैं थोड़ा पानी और डाल के ना पका ली है, और यह सब्जी मेरी पक्के भी तैयार हो चुकी है। खाना किसी के लागे है मेरी सब्जी तो प्लीज़ ज़रूर बतायो, कौन कौन मेरी सब्जियों बनाई है वो भी कमेंट करियो भाई, कि ना अच्छी लागे तो सभी कमेंट करके बताना, अच्छी लागे तो लाइक शेयर भी करियो। और मेरी तो भाई मन लागे सब्जी बन के तैयार हो चुकी है, वाह वेरी नाइस, ये देखो अपनी सब्जी बन के तैयार होगी। अब अपन ने छुक्कन बनासी है कले, तो एक छुक्कन के लिए अपन ने तैयार कर सियाँ, पहली चलो छोला भटूरा वालों बना ले सियाँ, पहली भटूरा वालों तैयार कर ले सियाँ। अब मैं भटूरा के लिए कढ़ाई रख दी है धो धा के, और या गर्म होके अब मैं आपा भटूरा बना सियाँ। तो भटूरा बना सियाँ तो अब घी डाल सू मैं देसी, अब मैं अंग्रेजी कोई को नहीं करूँ, मैं ना तेल त्याल को देखो पसंद को नहीं, तेल त्याल में खाँ भी कमी हाँ हो बॉयल वॉयल करके, तो लिए मैंने मैं बनासी हूँ अन्ना घी में, तो सारा भटूरा मैं घी में ही तलसी हूँ। ये देखो अपनों भटूरों को दोस्त बन के तैयार हो चुको है, आटो लाग चुको है, तो अन्ना पाड़ के देख सा ना जब टूट सी को नहीं, तो यो टूट जैसी, अगर अच्छो नहीं लागो ना तो टूट जैसी, कि यही पहचान है।
तो अपनो आटो ला के तैयार हो गो। अब मैं कढ़ाई हुई को नाका नाका तेल काट सी, घी काट सी, तो मैं कढ़ाई हुई घी लगा ले सी और आटे नू है ना बेल ले सी। अब थान दिखा सी मैं कि कनारी कत्ती पतली करनी है आपा ने, एकदम हुई पतली पतली है कनारी करनी है, मोटी कौन राखनी है क्योंकि मोटी राख सियाँ तो पकड़ में दिक्कत हो सी, तो सही कौन पक सी है, तो लिए मोटी कौन राखनी है एकदम पतली पतली। देखो कनारी एकदम चिपकी चिपकी कनारी होगी है, अया कोई आपा ने बेलनो है एकदम पतलो पतलो उथड़ उथड़ के, और एकदम हूँ पतली पतली अंगी कनारी करनी है और बीच में पतलो मतलब बहुत ही पतलो बेलनो है, मैन बात यह है। और एन आपा बेल लियो, अब है ना आपा तेल गर्म हो चुके है, ये देखो आग लनाकों भी दिखा है थोड़ो थोड़ो, तो अब देखो बन के पक बिल्कुल घी भी गर्म हो रही है, तो अब है ना आपा डाल दिया कढ़ाई में और है ना तैयार कर ले सिया बढ़िया, है ना भून ले पका ले सिया ने, अब है ना को ऊपर ही तेल में तल सिया ने तलांगा, तो यो देखो फूलन लग गयो ना थोड़ो थोड़ो, तो फूलन लग गयो तो मतलब अपनो आटो बढ़िया लग गयो है और अपनी जो विधि है वह बहुत बढ़िया। डोसा बता बटूरा बता दी मन, तो डोसा कोई नाम आवे बटूरा बता दी ही कि भाई ते किसी की रेसिपी बनाई है, तो अपनी रेसिपी एकदम मस्त बनी है क्योंकि बटूरा फूल गए ही एकदम बढ़िया फूल के तैयार हुए ही। तो थाने किसी की लागी रेसिपी कमेंट में ज़रूर बतायो, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट भी करियो, और आगे और भी तुते बना के दिखा सी थाने, अँ मैं सोचियो कि दीदी एक ही बना दिखा दी गल छोड़ दी एक हूँ, तो भाई क्या हुआ क्या समझ में आयो मारा, तो मैं थाना अच्छा और भी बना दिखा सी हूँ। यो तो देखो थे एक बार, यो देखो एकदम बढ़िया पक्के तैयार हो चुके है, वाह वेरी नाइस, क्या टेस्ट आएगा देखना, खा के देखना कैसे टूट टूट के पड़ेंगे बच्चे को। चलो और बेलते हैं अपन और दो चार और बेलते हैं, आप सबको सारे बेल के दिखा देती हूँ मैं तो बेलन अभी टिफिन के लिए तैयार करूँगी, पहले तो बेटे का टिफिन डालूंगी और फिर बाकी और बेल लेंगे, तो मैं ये टिफिन के लिए ही बना रही हूँ इसको, सुबह सुबह टिफिन के लिए लेके जाने है ना, तो वैसे तो खाना नहीं खाता पर टिफिन के लिए तो ज़रूर खा के जाएगा। ये देखो बढ़िया भून रहे हैं ना एकदम से, आप अगर ज़्यादा पकाना चाहते हो तो इनका ब्राउन कलर तक पका सकते हो, अगर कम पकाना चाहते हो तो हल्के भी पका सकते हो। वाओ वेरी नाइस, देखो कितने मस्त हैं, ऐसे ही अपन को सारे भटूरे बना के तैयार करने हैं, सबको ऐसे ही बेल के और ऐसे ही तलने हैं और सबको ऐसे ही तैयार करने हैं। आप सबको रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इसमें अपन छोंक भी लगा सकते हैं छोले पे, आप लगाना चाहो तो छोंका भी लगा सकते हैं, मतलब अलग से छोले के अपन फ्राई पैन में घी डाल के और उसको अलग से छोंक भी लगा सकते हैं, तो उससे क्या है उसमें अपन जो राई जीरा हो जीरा जो हजीरा नहीं डालेंगे उसमें अपन सौंफ डालेंगे और कड़ुंजी नहीं जो अजवाइन होती है वो डालेंगे, सौंफ और अजवाइन और हरी मिर्च है प्याज है अदरक है ये सब छोंक के लिए तैयार करके लगाएंगे ना, तो अलग से छोंक भी बन के तैयार हो जाता है, फिर उसको छोले के ऊपर ऊपर कर दो और कसूरी मेथी डाल दो थोड़ी सी, तो उससे बहुत स्वाद चेंज होता है। ये मैंने टिफिन के लिए भाई भटूरे बना के तैयार कर दिए हैं, तो मैं बेटे को टिफिन डाल दूंगी, ये वाह वेरी नाइस, देखो कितने मस्त बने हैं। आप सबको कैसा लगे प्लीज़ बताना, किस किस के बेटे को पसंद है, बच्चों को पसंद है भाई भटूरे, बड़ों को तो लगभग खा भी लेंगे पर बच्चे बहुत नाटक करते हैं, तो मेरे तो बेटे को भाई बहुत पसंद है, वो तो खुश होके खाएगा। वाह वेरी नाइस, तो मैंने टिफिन में डाल दिए हैं छोले भटूरे और अब टिफिन कर देते हैं पैक, बेटा जाएगा स्कूल तो ये टिफिन मैंने कर दिया है पैक, और ये लेके हाथ को भटूरे खा के खुश हो जाएगा, काफ़ी दिन से कर रहा था तो मैंने सोचा कि चलो आज तो बना ही देती हूँ, तो मैंने बना दिए छोले भटूरे, वाओ आ तो दोस्तों के साथ खुश हो जाएगा खा खा के, और उस वो बोल रहा है कि मैं तो अभी भी खा के जाऊँगा, देखो ये भगवान रुक 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 डालती हूँ, ये लो भाई ये तो खा के भी जाएगा आज, वाह वाह क्या बात है,
इसको तो बहुत टेस्ट आ रहा है। हाँ मजे आ गए भाई, बहुत टेस्टी छोले भटूरे बने हैं। आप सबको कैसी लगे रेसिपी तो आप ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये देखो कितने मस्त छोले भटूरे हैं। ओके चलो बाय बाय सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और सभी कमेंट करिए, लाइव को सॉरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय बाय।